सतना जिले के मझगावां सीएचसी अंतर्गत पटना पंचायत के कानपुर टोला में एक ही परिवार के तीन बच्चों के अंधत्व का शिकार होने की खबर सोशल मीडिया में चलने के बाद सतना सीएमएचओ डॉक्टर अशोक अवधिया ने मामले को गंभीरता से लिया है। टीम सहित कानपुर गांव पहुंचकर बच्चों का नेत्र प्रशिक्षण कराया। हम आपको बता दें कि मझगावां बीएमओ डॉक्टर तरुण कांत त्रिपाठी, डॉक्टर पीसी नातेवनी, आई स्पेशलिस्ट सतना प्रेम चंद्र वर्मा, देवमुनि पटेल, आर्यन पांडे, अंजू सिंह के अलावा फील्ड कर्मचारियों को साथ लेकर पहुंचे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गांव के अन्य बच्चों का भी स्वास्थ्य और नेत्र प्रशिक्षण कर अंधत्व का शिकार मिले चार बच्चों को इलाज के लिए जानकी कुंड अस्पताल चित्रकूट रेफर कराया। मझगांव ब्लॉक के पटना पंचायत अंतर्गत कानपुर आदिवासी टोला में विष्णु 16 वर्ष, आशीष 8 वर्ष, शिवा 4 वर्ष, तीनों के पिता राजकुमार मवासी की 3 संतानें जन्मजात अंधत्व का शिकार है, जिसकी खबर विगत दिवस सोशल मीडिया ग्रुपों में चलने पर मामले में संवेदना दिखाते हुए आज सुबह मुख्य चिकित्सा अधिकारी सतना अशोक अवधिया अपने दल बल के साथ कानपुर टोला पहुंचे। यहां पर बच्चों के परिजनों से चर्चा कर डॉक्टर पीसी नातेवनी आई स्पेशलिस्ट से बच्चों का नेत्र प्रशिक्षण करवाया गया। वहीं गांव के अन्य बच्चों का प्रशिक्षण कराने पर इसी गांव के 8 माह के मासूम प्रवीण पिता रघुनाथ मवासी को भी जन्मजात अंधत्व का शिकार मिलने पर प्रशिक्षण उपरांत सभी को इलाज के लिए चित्रकूट जानकी कुंड अस्पताल भेजा गया। सतना से पंकज पुष्वा की रिपोर्ट। यहाँ पर जो भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं उसी प्रकार से सभी हमने आदेश दिए हैं कि प्रत्येक गांव में आई के जो हमारे नेत्र सहायक हैं वो जाएंगे और जो भी डिफेक्ट आँख संबंधी है उसकी 1 माह के अंदर मझमा ब्लॉक के अंदर जो भी गांव हैं उनकी जानकारी हमें संधारित करेंगे और मुझे देंगे। अगर जैसा भी उनका इलाज संभव होगा मैं कराने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक कुपोषण की बात है तो हमारी बात हो चुकी है डीपीओ सर हैं सौरभ सिंह जी, और आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रत्येक गांव की हम लाइन लिस्टिंग कराएंगे कुपोषण की, और वहां भी बेहतर से बेहतर पोषण आहार ट्रीटमेंट और जैसा भी इलाज संभव होगा मैं कोशिश करूंगा कि 1 माह इस प्रकार का अभियान चलाकर गांव-गांव में कुपोषण को दूर करने के लिए हमारे दोनों विभाग स्वास्थ्य विभाग और ICDS जो विभाग है वो दोनों कार्य करें संयुक्त रूप से, जिससे कि हम मझगवां ब्लॉक से कुपोषण को भी समाप्त कर सकें। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है, जन्मजात विकृति है। जन्मजात विकृति में क्या होता है कि जैसा इनको कहना है कि मैं कई बार मझगवां दिखा भी चुकी हूँ तो वहाँ भी यही बताया गया कि मतलब इसका इलाज संभव नहीं है जिन्होंने जाँच की है। अब इसमें जो कि कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो किसे जिम्मेवार तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं नेत्र विशेषज्ञ के साथ यहाँ पर सुबह सुबह आया और सबकी जांच की हूँ, और अभी मैंने गाड़ी से इनको चित्रकूट भेजकर अंतिम निष्कर्ष के लिए कि क्या हम इसका इलाज कर सकते नहीं करा सकते इसके लिए हम भेजेंगे, और अगर इलाज संभव होगा तो फिर मैं हाई अथॉरिटी से बात करके निःशुल्क इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करूँगा। तो परीक्षण पे देखा गया कि इसकी जो पेट के अंदर ही से ही आँख का निर्माण नहीं हुआ पाया है, इसको कंजेनाइटल सिस्टिक आईबाल बीमारी बोली जाती है, और इस तरह के रोग का पूरे हिंदुस्तान में या हम ये कह सकते हैं कि संसार भर में भी इसका कोई इलाज नहीं है। ये पैदाइशी जन्मजात विकृति पैदा हो जाती है। और पुत्र राम कुमार मवासी 15 वर्ष जिसकी उम्र थी, इस बच्चे को भी जन्मजात से ही, एक तो ये मानसिक रोगी आप कह सकते हैं जो किसी चीज़ का जवाब नहीं देता है और कोई अपना काम नहीं करता है, मेंटल रिटार्डेशन इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ इसको पैदाइशी आँख में कार्नियल ओपेसिटी बोल जाती है, दोनों आँखों में पैदाइशी कार्नियल सफ़ेदी, पुतली में सफ़ेदी होना पाया गया, और पुतली की सफ़ेदी होने के कारण बच्चों की आँख फोकस नहीं कर पाती, एक जगह रुक नहीं पाती, तो ये जो उनमें आंखें चलती रहती हैं घूमती रहती हैं। और शिवा ये जो बच्चे हैं इन दोनों बच्चों की वो भी कंजेनाइटल निस्टेग्मा, इनकी बच्चे आंखें घूम रही हैं, ये पैदाइशी विकृति है सभी में से, इन सभी तरह के बच्चों को आप एक तरह से कह सकते हैं पैदाइशी विकृति है, मतलब पैदा होने के बाद किसी चीज़ की कमी से या कोई बीमारी से इस तरह की बीमारियाँ इनको नहीं हुई हैं। नहीं, इस वक्त इन इलाजों का संबंध नहीं, पर एक तरह से घर के हैं तो हो सकता है इनकी माता का खान पान में या प्रेगनेंसी के दौरान कोई खान पान में ही कोई परेशानी हुई है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स के कारण ये सब होता रहता है,
तो एक ही परिवार के कारण तीन बच्चे हैं, पर अब इनका इलाज जो है बहुत संभव नहीं है। इस पैदाइशी बीमारियों का इलाज कहीं पे भी संभव नहीं है। जो बेहतर हो सकता है उसकी चेकअप के लिए अपन यहाँ आए हैं जानकी कुंड में। यहाँ पे उच्च क्वालिटी के चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं, एक बार उनको दिखाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। नाम राम रहती है, मेरे बच्चे आँख से विकलांग, एक विष्णु एक आशीष एक छोटा शिव, इनको मैं चाहती हूँ कि सहयोग में सरकार दे दीजिए, तो ले जाओ इनको जानकी कुंड, तो जांच भी करा लो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन